हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक और पैंट की डिजाइन बनाने वाले हैं और ये डिजाइन हम पॉकेट में बनाएंगे दोस्तों। और डिजाइन बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हमने एक कपड़ा है, इसकी कटिंग की है और इस कपड़े की हमने दोस्तों लंबाई ली है वो ली है 5.5 इंच की और इसकी चौड़ाई ली है हमने 4.5 इंच की। आपको भी इसी तरीके का कपड़ा ले लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कपड़ा लिया हमने ये वाला, ये देखिए इस कपड़े की हमारी लंबाई है वो है यहाँ से 16.5 इंच की और ये देखिए 8 इंच की इसकी चौड़ाई ली हमने। आपको भी इसी तरीके से दूसरा कपड़ा ले लेना है। और उसके बाद ये हमारे पास पैंट का हिस्सा है, कपड़ा है तो एक हिस्सा जिसमें हम पॉकेट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके की कटिंग करने के बाद हम बाकी के जो हमारे प्रोसेस होगा वो होगा मशीन पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये हमने जो कट लगाया है, इस कट में जो यहाँ पर प्लेट बनाई जाती है वो प्लेट को बनाएंगे। प्लेट की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 3.5 इंच की और 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई रह जाएगी। इस तरीके से हम इसमें प्लेट बना देंगे। इस तरीके से दोस्तों सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इसकी चिराई कर लेंगे हल्की हल्की सी इस तरीके से। और इस तरीके से ये चिराई करने के बाद हम इसमें लगाएंगे निशान। निशान लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 3 इंच का। ये निशान लगाने के बाद एक निशान हम यहाँ पर भी लगा देंगे 4 इंच का। यहाँ आप 4.5 इंच का निशान लगा लें। इसमें हमारा 4.5 इंच का निशान हमारी सिलाई के ऊपर आ रहा है जो हमने प्लेट डाली है यहाँ से। तो अब हमें दोस्तों ये निशान इस तरीके से लगाने हैं। यहाँ पर हम करेंगे इसकी गुलाई, गुलाई करेंगे दोस्तों बिल्कुल चांद शेप में इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से गुलाई करने के बाद हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद ये देखिए जो हमने कपड़ा काटा है, ये जो हमने कटिंग किया कपड़े की, आपको इसको इस तरीके से खोल लेना है। और इस तरीके से खोलने के बाद हम इसको इस तरह से जमा लेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से इसको जमा लेंगे। और इसको जमाने के बाद यहाँ पर हम इसमें एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ से देखिए ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसके यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है हमारा आसन की तरफ, उसको निकलने देना है। और इस तरीके से इसको जमाने के बाद यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसकी कटिंग कर देंगे। और इसकी कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर इसमें कट लगाएंगे। और इस तरीके से कट लगाने के बाद यहाँ पर हम इसमें नाखून से इसको सीधा करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरीके से पलट लेंगे और इसमें यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे किनारे है इसके ऊपर भी यही सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये वाली सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारे अंदर का कपड़ा है हम इसको इस तरीके से जमाएंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ पर हम इसको बराबर करेंगे और ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा। अभी हमारी सिलाई दोस्तों कंप्लीट नहीं हुई है, हम यहाँ पर दूसरा पॉकेट है जो हमारा उसके लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने जो हमारे पॉकेट का जो कटिंग की है वो की है यहाँ से 3 इंच की। तो यहाँ पर ये 3 इंच हमारा फिक्स है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ जब भी इसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर तो ये हमारी सिलाई यहाँ तक आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच पर यहाँ से इस तरीके से और इसको थोड़ा आगे तक ले जाएंगे तो ये निशान हमारा 2 इंच तक हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी तो यहाँ से दोस्तों हम 1.5 इंच छोड़ देंगे इस तरीके से। यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारी जो जेब की चौड़ाई रहने वाली है वो रहेगी यहाँ से 2.25 इंच की तैयार। आप इसको 2.5 भी रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको 2.5 रख लेंगे और उसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच पर 2 इंच पर निशान लगा लिया, एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर 2 इंच का। तो दोस्तों इसी के अंदर हमें जो हमारी पॉकेट जो लगानी है, अब ये देखिए ये जो हमने कपड़े की कटिंग की थी अब इसी में हम इसमें पॉकेट बनाएंगे इस तरीके से। तो पहले यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे देखिए। और इसकी जो फोल्ड कर रहे हैं दोस्तों इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों एक सिलाई और लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा ली है और डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ से ये इतना कपड़ा हमारा मार्जिन में अंदर चला जाएगा। उसके बाद 2.5 इंच की हमारी रह जाएगी चौड़ाई पॉकेट की इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से भी 1/2 इंच कपड़ा है जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से जो टोटल कपड़ा है हमारा वो है यहाँ से 3.5 इंच। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों ये हमारा 4 इंच। तो ये देखिए हम इसको जब भी फोल्ड कर देंगे यहाँ से 1/2 इंच ये फोल्ड हो जाएगा
तो हमारा पॉकेट जो 3.5 / 3 का तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो हमने निशान लगाए हैं हमारे पॉकेट के ऊपर, इसमें इस सिलाई को इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा आधे इंच का कपड़ा है, हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों सिलाई हमें यहाँ लगानी है और जो हम पॉकेट बनाएंगे यहाँ से चौकोर होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ से भी आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे और बाकी कपड़े को अंदर कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों जब भी हमारे यहाँ सिलाई आ जाए तो हमें सिलाई को यहाँ से रिटर्न कर लेना है और इस सिलाई को डबल करना है इस तरीके से। अभी तो हमने किनारे की सिलाई लगाई थी लेकिन अब यहाँ पर हम इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमारी जो पॉकेट है इसको हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट इस तरीके से करेंगे। यहाँ से इसको बीच से पकड़ेंगे और यहाँ जो हमारे बाहर वाला हिस्सा है आसन वाला, ये देखिए हम आपको इसको दोबारा से दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी पॉकेट जम जाएगी। तो सिलाई दोस्तों हमें यहाँ तरफ लगानी है, जो हमारी इस तरफ ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर हम इसमें एक कुटका लगा देंगे क्योंकि यहाँ से ये सेंटर बन जाएगा। उसके बाद इसको इस तरीके से फैलाएंगे और यहाँ से जो हमारा सेंटर बनाया है यहाँ से इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर दोस्तों इतनी सिलाई लगाएंगे, लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से। ये देखिए दो पैर के लगभग हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये जो हमारी पॉकेट है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और जो अभी हमने सिलाई लगाई थी अभी इसी के ऊपर एक पैर की सिलाई और लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये वाली सिलाई लगाने के बाद जो हमारा कपड़ा है हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे और इस तरीके से बिछाने के बाद हमारा जो पॉकेट है इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे, सिलाई यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे जो हमारे किनारे वाली सिलाई है यहीं से सिलाई शुरू लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से तकरीबन 1 इंच के लगभग हमें सिलाई को लगा लेना है और उसके बाद यहाँ से वापस इसको घुमा लेंगे और जो हमारी दूसरी वाली सिलाई है इसी के ऊपर इसको निकाल देंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारी जो ये वाली साइड है यहाँ पर हम इसमें किनार की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये वाली सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने जहाँ इसकी पहले कटिंग की थी वो कटिंग की थी 3 इंच के लिए, तो यहाँ हमारा कपड़ा बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो हमारी कटिंग होगी इस तरीके से होगी, यहाँ से हल्का हल्का सा तिरछा तिरछा इसकी हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद यहाँ से जहाँ पर भी हमारी पॉकेट का लास्ट आ रहा है यहीं के बराबर इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉकेट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरह का पॉकेट बना सकते हैं और उसको बनाकर पहन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी तरह की अगला और कोई नया डिजाइन लेकर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।